हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभियुदय, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे शोएब आफ्ताब से। हम जानेंगे कि शोएब आफ्ताब ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे बहुत क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ग्रिप पाई है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल, ऑर्गेनिक में क्यों, इन्होंने तो पूरे में ही फुल आउट ऑफ फुल लाए थे, 720 out of 720। तो आइए शोएब से बात करते हैं। हाय शोएब। हाय, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो ऑर्गेनिक जो है, आप सबको पता ही है कि केमिस्ट्री का एक पिलर कह सकते हो आप उसको, क्योंकि बेसिक जो है आपको पता है कार्बन 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 से जो है पूरा ऑर्गेनिक जो है बनता है। बट पॉइंट ये है कि ये चीज़ें कई बार काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोग समझते हैं कि यार, मतलब उनको काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। जैसे इनऑर्गेनिक के लिए सेट चीज़ें हैं कि हाँ, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पे फोकस करो, बायो जैसी है वो, अगर याद कर पा रहे हो बढ़िया है, आपकी इनऑर्गेनिक हो रही है। और फिजिकल में फिजिक्स जैसा है, आपको समझ आ रहा है, फॉर्मूला पता है, चीज़ें आपको क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। बट ऑर्गेनिक में आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो जैसा हमको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में तीन चैप्टर्स है हमारे पास, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन वी हैव हाइड्रोकार्बन्स, एंड देन वी हैव एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और सेम ही यहाँ पे ऑर्गेनिक के 12th में भी छह चैप्टर्स हमारे पास, छह से सात चैप्टर्स हमारे पास हैं, जिसमें से चार चैप्टर्स तो बेसिकली पूरा ऑर्गेनिक है, और तीन चैप्टर्स में थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन भी जाता है, जैसे कि मॉलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स। ठीक है, सो हम अभी शोएब से जानेंगे कि शोएब का सारे चैप्टर्स में क्या क्या अप्रोच था, मतलब शोएब ने कैसे सारे चैप्टर्स को, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीओसी आखिरी में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक, शोएब ने कैसे मैनेज किया। तो शोएब देखो, ऑर्गेनिक जो है इसमें टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मेरे को याद है कि मेरे 11th में जो है टीचर इतने अच्छे नहीं थे, मतलब कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, तो इससे क्या हुआ कि मेरा थोड़ा सा वीक रह गया था। बट जैसे 12th में मेरे को एक बहुत अच्छे टीचर मिले तो मेरा ऑर्गेनिक काफी इंप्रूव हुआ। तो ऑर्गेनिक में जो है, पहली बात तो टीचर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, दूसरी बात जब आप जैसे चैप्टर शुरू करते हो तो आपको बेसिक से करना इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हुआ था कि मेरा फर्स्ट जो चैप्टर था वो मैंने इतना ढंग से पढ़ा नहीं था, क्योंकि मेरे को लगा था क्या ये आईयूपीएससी है, इतना तो बेसिक आता ही है, आईयूपीएससी कर लेंगे, आइसोमेरिज्म भी इतना ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो इससे क्या हुआ था कि जो जनरल ऑर्गेनिक में जो बाकी चीजें थी, जो रिएक्शंस वाला जो पार्ट है जो कि मेजर मानते हैं लोग, उसमें मेरे को दिक्कत आने लगी थी। तो लोग क्या करते हो, आपको पता है कि रिएक्शंस मेनली इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली रिएक्शंस पे चले जाते हो, रिएक्शंस पढ़ने की कोशिश करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, तो वहां पे दिक्कत आने लगती है। आपको क्या है, बेसिक से चलना है। बेसिक से मतलब पहले क्या करो, पहले क्लासिफिकेशन समझो, फॉर्मूला समझो, फिर जैसे फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह कैसे होते हैं, कैसे क्या पॉइंट है, फिर आइसोमेरिज्म को समझो कि किस किस पॉइंट पे आइसोमेरिज्म हो सकता है, इन सबको रिलेट करने के बाद आप जो है रिएक्शन वाले पॉइंट पे मूव ऑन करो। ओके, सो बेसिकली शोएब यही कहना चाह रहा है जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया, कि आपको स्टेप वाइज अप्रोच रखना है, ऐसे आपको सीधे कहीं भी कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ने लगना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का चैप्टर पढ़ने जाते हो क्लास 12th का, तो उसके लिए आपको पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जीओसी की जो चीजें हैं वो अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आइसोमेरिज्म नहीं आएगा तो आप हेलो हल्केन हेलो सब में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर आपने मान लो आईयूपीएससी अच्छे से नहीं आती, उसमें से उसमें स्ट्रक्चर ना दे, मान लो आपको सीधे नाम ही दे दें उस कंपाउंड का, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। सो आई विल से कि जीओसी जो है वो बहुत डिटेल में पढ़नी चाहिए। बाकी एक और डाउट बच्चों का रहता है, बच्चे क्या करते हैं कि मतलब जो मेन ऑर्गेनिक के चैप्टर्स होते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, बट जो चार चैप्टर्स हैं जैसे बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये सब छोड़ देते हैं, तो इस पे तुम क्या कहना चाहोगे। ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, मतलब मैंने भी छोड़ ही रखा था, मेरे को तो बाद में पता लगा जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट किए, जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है जो ईयर वाइज जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, तब मेरे को पता लगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चंस बन रहे थे बट वो वाले क्वेश्चंस छूट जा रहे थे, तो मेरे को तब पता लगा। एंड जो क्वेश्चंस मतलब जो थोड़े बहुत सॉल्व हो भी रहे थे वो ऐसे थे कि मतलब टीचर ने उतने अच्छे से कवर नहीं किया था, मैंने उसको जस्ट एक बार पढ़ा था तो उससे सॉल्व हो रहा था। तो ये जो चार के चैप्टर्स है, लास्ट के जो चार चैप्टर्स है, उसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, आपके टीचर भी उतना ध्यान नहीं देते, आप भी उतना ध्यान नहीं देते हो, तो ये क्या होता है, छूट जाती है, और एग्जामिनर जो है आपको यहीं से क्वेश्चंस डालता है। तो मतलब आउट ऑफ लेट से 15-20 क्वेश्चंस जो नीट में आते हैं उसमें से मतलब चार क्वेश्चंस तो पक्के ही पक्के हैं कि इन चैप्टर्स में से आएंगे, जो थियोरेटिकल पोर्शंस है जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एनवायरमेंटल, और एक और जो है जीओसी में ही पार्ट है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें जो है क्रोमैटोग्राफी वगैरह, प्यूरिफिकेशन मेथड्स वगैरह आते हैं, तो वो चीजें जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। मतलब भले ही लोग क्या करते हैं, पूरा जीओसी पढ़ लेते हैं वो छोड़ देते हैं, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप जीओसी वहां से नहीं पढ़ते हो, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते हो, आप वहां से सिर्फ जो है आप सिर्फ उस क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ लो, बाकी आप जो भी टीचर के सोर्स से प्रैक्टिस या जहां से भी कर लो वहां से कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको डाटा बताऊं तो नीट 2019, 2020, 2021
तीनों साल में ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं यहाँ से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आए हुए हैं, तो आप सोच सकते हो कि इन चैप्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आगे बढ़े तो बहुत अच्छे क्या करते हैं, वो सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ते रहते हैं और वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करते हैं। सो शोएब, क्या तुम्हें भी लगता है, जो मुझे लगता है कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है, मतलब 11th में भी मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम किया था और जो है मैं एक ही सोर्स से स्टिक कर रहा था, और मेरे को लगा कि फिर 12th में मेरे को लगा कि थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही शायद मेरा मेन प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं जो है मॉक टेस्ट वगैरह पे इतने सारे जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नो डाउट इंपॉर्टेंट है और सही क्वालिटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, कोई भी सोर्स उठा लेते हैं, कोई भी एक किताब उठा ली कि हाँ चलो ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, और फिर वो बेकार तरीके के क्वेश्चंस जिनका कोई रेलिवेंस नहीं है, या तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर आप नीट का पेपर देखोगे, एक स्पेसिफिक लेवल तक क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा बहुत घुमाते हैं वो, मतलब थोड़ा बहुत मैकेनिज्म पे कई बार आते हैं, तो आपको बस वो पता होना चाहिए कि किस एक्सटेंड तक पढ़ना है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें कवर करने के चक्कर में उसको एक या दो बार ही पढ़ पाते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं। और हमें तो पता ही है कि जो चीज आपने रिवाइज नहीं करी वो पढ़ना मतलब बेकार है। मतलब बिल्कुल बेकार है। जितना आपने पढ़ा वो बेकार टाइम आपने वेस्ट किया है। Exactly. तो आपको स्पेसिफिक चीजें जो है बार बार पढ़नी है, ना कि बहुत सारी चीजें एक या दो बार पढ़नी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट विल यू से कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं, मतलब आफ्टर स्टडिंग होल द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि हमें शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने चाहिए? शॉर्ट नोट्स नो डाउट मैंने तो किए थे, 11th में नहीं किया था, बट 12th में मैंने बनाया था काफी शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा वास्ट लगने लगता है जब बहुत सारे रिएक्शन साथ में आ जाती है, मतलब इतने सारे रिएक्शन फिर आप एक बार में देखते हो तो आप फिर कन्फ्यूज हो जाते हो, तो उस पर थोड़ा सेपरेशन करना ऐसे मतलब चार्ट्स वगैरह बनाना बहुत हेल्प करती है, कि चार्ट्स वगैरह बना लिया आपने अपने स्टडी टेबल के पास चिपका दिया, फिर आपने एक शॉर्ट नोट कॉपी रखी जिसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नेम रिएक्शंस वगैरह लिख दी, फिर आप जो है ऑर्डर वाइज आपने सेट कर दिया कि हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है पहले मैं इसको पढ़ूंगा, फिर ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस जो आपको बता रखे हो आपके टीचर ने या कहीं पे भी, तो वैसे आप अरेंज कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पहले AITS में, मतलब ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज में जहाँ मैं पढ़ता था, इनरोल था, वहाँ मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब पेपर हुआ था तो मेरे केमिस्ट्री में 180 में सिर्फ और सिर्फ 92 मार्क्स आए थे, जो कि काफ़ी कम होते हैं, और फिर 180 में 92 आए थे, और आखिरी में जब मैं नीट का पेपर दिया तो मेरे ऑर्गेनिक में फुल आउट ऑफ फुल थे। सो सबका भी ऐसा ही होता है, आई नो डाउट इसमें हमेशा से कोई भी मतलब जब पैदा होता है, मतलब तुरंत 11th में आता है तो उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं होती है, वो धीमे धीमे बाय प्रैक्टिस आती है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना आप चीजों को बार बार रिवाइज करते रहोगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे, उसके साथ ही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीमे धीमे इंप्रूव होता रहेगा। सो हमने क्या कोशिश किया था कि ये तो चलो हो गई हमारी बात कि हमने ऑर्गेनिक को कैसे डील किया, ऑर्गेनिक में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी, बट यहाँ पे अभी भी बहुत बच्चों का डाउट ये होता है कि भैया हमारे पास कोई एक अफोर्डेबल कोर्स नहीं है, या ऑर्गेनिक अभी सिर्फ एक महीना बचा है, हम इतना सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, अगर मतलब कहाँ से पढ़े क्या, मतलब बहुत डाउट्स रहते हैं हमेशा ही कमेंट सेक्शन में। सो शोएब, तो मैं आ रहा हूँ अभ्युदय के जो ऐप है, जो ऑक्सीन ऐप है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभ्युदय थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इनटू दैट। तो मैं उस पर एक कोर्स ला रहा हूँ ऑर्गेनिक का, मतलब अभ्युदय और मैं ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि यार हम क्या कर सकते हैं। तो इस ऑर्गेनिक क्रैश कोर्स के अंदर शोएब आफ्ताब आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब सारे चैप्टर्स के लाइव लेक्चर्स होंगे और वो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो। अगर बाय द वे मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लाइव ही देखें, बट अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हो। और एक महीने के अंदर, एक महीना तो अभी हम 15th जून को ये स्टार्ट हो रहा है, एक महीने के अंदर मतलब 17 जुलाई के पहले ही पहले हम आपकी पूरी प्रैक्टिस करा देंगे। सारे टेस्ट भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी है और सारे लेक्चर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो टेस्ट भी मैं अगर बताऊं तो 10 टेस्ट होंगे, 6 आपके पार्ट वाइज टेस्ट होंगे और 4 आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे। सारे टेस्ट NCERT स्ट्रिक्टली बेस्ड होंगे और जो भी क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल है कि ये पूछे जा सकते हैं इस बार नीट के पेपर में, वो क्वेश्चंस आएंगे। टेस्ट सीरीज मैंने खुद बनाई है और लेक्चर जो होगा वो शोएब ले रहा होगा। डाउट सेशंस भी होंगे। एग्जैक्टली, आप सब कुछ अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है, सिर्फ नॉर्मल मतलब ऑर्गेनिक ही नहीं, मैं आपके सारे डाउट्स मतलब कोई भी आपको रिलेटेड डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको जो टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस होंगे वो भी आपको शोएब भी प्रोवाइड करेगा, मतलब आपको प्रॉपर टेस्ट के सारे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपका डाउट है तो उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो
ऑर्गेनिक का जैसा आपको पता है मैंने बता दिया 15 से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो हम इतना तो इंश्योर करेंगे कि वो 15-20 में से आपके सारे क्वेश्चन सही हों। और आप अगर सोचो आपके 60 से 80 नंबर बढ़ जाते हैं तो आपकी रैंक जो कहीं अगर 1 लाख आने वाली थी, मतलब कि मतलब मान लो 1 लाख रैंक आने वाली थी, तो बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा और आप काफ़ी अच्छी रैंक ला सकते हो वहाँ से। ठीक है, सो ऑर्गेनिक की परेशानी आई होप कि इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के बाद दूर हो जाएगी। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अभी इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 499 रहेगा, बट ये सिर्फ 15 तारीख तक प्राइस है। अगर आप प्री बुकिंग कर लेते हो तो ठीक है, अगर आप 15 के बाद अगर आप इसको परचेज करते हो तो इसका प्राइस 100 रुपीज बढ़कर 599 हो जाएगा। सो वी विल बेसिकली से कि आप 15 के पहले ही ले लो, क्योंकि 15 से पहली क्लास है और पहली क्लास जीओसी की है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारा शेड्यूल, सारा जो कुछ भी है वो आपको क्या कहते हैं ऑक्सीजन ऐप के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखी ऑक्सीजन तो आप अभी डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और वहां से आप जाकर ऑक्सीजन ऐप डाउनलोड कर देख सकते हो और ऑर्गेनिक क्रैश कोर्स का मजा उठा सकते हो। तो चलो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफी स्ट्रेटजी और काफी चीजें पता चली होंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। एंड आई होप कि अगर आपकी ऑर्गेनिक थोड़ी सी भी वीक है तो आप ऑर्गेनिक का क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करो। मिलते हैं गाइस, और मेरा चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हो। यस बिल्कुल, शोएब भी यूट्यूब चैनल है, शोएब का चैनल बिल्कुल जाकर जरूर सब्सक्राइब करो। मैं वीडियो में भी टैग कर दूंगा शोएब के चैनल को, और उसको जरूर सब्सक्राइब करना। चलो गाइस, मिलते हैं, बाय बाय बाय, थैंक यू गाइस।